झारखंड के कृषि विभाग ने किसानों के लिए एक नया प्लान बनाया है। अब किसानों को धान की तरह सब्जियों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP देने पर काम किया जा रहा है। कृषि मंत्री बादल पत्रालेख ने जानकारी दी है कि किसानों की तरफ से किए जा रहे विरोध को देखते हुए सरकार इस योजना पर काम कर रही है, जिसका सीधा फायदा राज्य के किसानों को होगा और उन्हें बेहतर बाजार भी मिल सकेगा। झारखंड के कृषि मंत्री ने कहा कि आने वाले 3 महीनों में हम इस योजना को फाइनल रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। महामारी की वजह से सब्जियों की MSP लागू करने की इस योजना को लागू करने में देरी हुई है। झारखंड कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी के मुताबिक झारखंड सरकार सब्जियों की MSP तय करने का प्लान तैयार कर रही है, जिससे किसानों को कम कीमत पर अपनी फसल को नहीं बेचना पड़ेगा और उन्हें फसल के लिए सही पैसे मिल सकेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।